अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिहान शेख। आज की रेसिपी आके बच्चों का फेवरेट पोहा मिक्सचर। उसके लिए चाहिए थोड़े से रोस्टेड चना, थोड़े से मूंगफली, थोड़े से कटा हुआ सूखा नारियल, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़े से हरी मिर्च, 1 किलो पोहा। उसके लिए पहले एक बड़ा वाला पतीला लेना है। अभी उसमें 3 या 4 टेबल स्पून ऑयल को डाल लेना है। ऑयल को गरम कर लेना है। ऑयल गरम हो चुका है, उसमें मूंगफली को डाल लेना है। अभी मूंगफली को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड, अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे मूंगफलियों को निकाल लिया है। उसी ऑयल में सूखा नारियल को भी डाल लेना है। अभी इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड, सूखा नारियल को भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। अभी इसको भी साइड में निकाल लेना है। पूरे सूखा नारियल को भी निकाल लिया है। इसी ऑयल में थोड़े से कटे हुए हरे मिर्च को डाल लेना है। हरी मिर्च को भी डाल लिया है। उसमें थोड़े से कड़ी पत्ता को भी डाल लेना है। हरी मिर्च को कड़ी पत्ता को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अभी इसमें 1 टेबलस्पून नमक को डाल लेना है। अभी उसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल लेना है। अभी इसको 1 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 1 किलो पोहा लेना है। इस तरीके वाला पोहा लेना है। अभी इस पोहे को इस तड़के में डाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सारा पोहा डाल लिया है। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। एक बार मिक्स कर लिया है। अभी उसमें फ्राई किया हुआ कोकोनट मूंगफली को डाल लेना है। अभी इसी में रोस्टेड चना को भी डाल लेना है। चने को फ्राई नहीं करना है। अभी इसको इसी तरीके से डाल लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लिया है। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी इसको मिक्स करते हुए 5 से 10 मिनट फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पोहा मिक्सचर बन चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पोहा मिक्सचर बन चुका है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल रिहान शेख। थैंक यू।